मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंच गए हैं। हर की पैड़ी पहुंचकर उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और साधु संतों को माला पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया। और संवाददाता योगेश सेमवाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, क्या कुछ रहा वहां पर पूरा कार्यक्रम? सर, ड्राइवर कहाँ है? हेलो, जी योगेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल, आप योगेश, आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, क्या कुछ किया वहां पहुंचकर, क्या रहा पूरा कार्यक्रम, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, शाही स्नान की शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही शाही स्नान का दौर शुरू हो गया था और सुबह से जो है अलग अलग जो अखाड़े उन्होंने शाही स्नान किया, लेकिन अचानक से जो है मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच गए। उन्होंने कुछ दिन पहले जो है कमान संभाली और उन्होंने जब कमान संभाली तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि कुंभ को बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न कराना है। और आज जिस तरह से वो अचानक यहाँ पर पहुंचे, बिल्कुल जो है उन्होंने सबसे पहले जो है जिस समय वो पहुंचे तो जो वहाँ पे निर्वाणी अखाड़ा है वो उस समय जो है यहाँ पर स्नान कर रहा था, तो वो भी आए वहाँ पर और उसके साथ उन्होंने स्नान किया। स्नान नहीं किया, उन्होंने माँ गंगा का जो है वो आशीर्वाद लिया, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, अखाड़े का आशीर्वाद लिया और पूरा का पूरा जो है वहाँ पर उन्होंने सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेकर फिर वो जो है यहाँ से देहरादून के लिए रवाना हो गए। जी बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी के लिए।